नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का द आईआर शो में। दोस्तों, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में बात करेंगे अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा जो बैड न्यूज़ और जो एक ट्रेजिक न्यूज़ आ रही है वो आपकी अफगानिस्तान से ही आ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में अब जो है जो तालिबान की जो फोर्सेज हैं वो अपना जो कब्ज़ा है वो बढ़ाती जा रही हैं लगातार। तो इसलिए जो है अब ये कंडीशन जो है वो बहुत ही ट्रेजिक होती जा रही है अफगानिस्तान की। इसलिए आज हम लोग जो है बात करते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर और अफगानिस्तान की स्थिति के ऊपर, आखिर ऐसी स्थिति उसकी हुई क्यों। तो यहाँ आप थंबनेल में देख सकते हैं, ये हमारे अंकल सैम हैं जिनको आप बाइडेन के रूप में जानते हैं, जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो इसमें बाकी इधर आप लोग यहाँ तालिबान के कुछ जो इनके आतंकी हैं उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए तालिबान की जो हालत ख़राब हुई है, इसमें जो अगर देखा जाए तो तालिबान का तो उसमें कंट्रीब्यूशन है ही है, लेकिन ये जो हमारे अंकल सैम हैं इन्होंने भी अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें। क्योंकि अगर बेसिकली अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 2001 में जो है यूएसए ने जो था वो इन्वेड किया था अफगानिस्तान में। पर्पज़ इनका ये था कि यहाँ पर ये डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे और तालिबान को जो है यहाँ से पूरी तरीके से इनकी जो जड़ें हैं यहाँ से उखाड़ देंगे। तो तालिबान का तो देखिए ये कुछ ऐसा कर पाए नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय इनकी गवर्नमेंट चल रही थी तालिबान की, और उसको इन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट को इन्होंने बाहर कर दिया था तालिबान की और वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट बैठा दी थी। और काफ़ी हद तक ये भी है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, अशरफ घनी वगैरह आपने नाम सुना ही होगा इन लोग के, तो ये लोग यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट भी चुने गए अफगानिस्तान में। लेकिन बावजूद इसके, इतने दिन के आप जो स्ट्रगल है उसके बावजूद, अभी भी तकरीबन 42% एरिया पे जो है वो अफगानिस्तान का ही जो है वो कब्ज़ा है, अफगानिस्तान के जो तालिबान है, सॉरी अफगानिस्तान नहीं तालिबान, तो वहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा है। और शहरों की बात कर दी जाए तो शहरों में ही जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे जो है जो तालिबान के अलावा जो वहाँ पे अफगान गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश की गई थी, अफगान गवर्नमेंट की जो है वहाँ पे सरकार चलती थी, लेकिन 42% एरिया, आप सोचिए कि इतने लंबे स्ट्रगल के बावजूद अफगानिस्तान के 42% एरिया पे अभी भी किसका रूल चलता था, तालिबान का। और मोस्टली जो रिमोट एरियाज़ होते थे और जो रूरल एरियाज़ होते थे वहाँ पे इनकी जो पहुँच है वो बहुत ही मजबूत रही। तो जो भी जो चेंजेस लाने की कोशिश किए गए, इन सब चेंजेस को अब एक बहुत बड़ा ये धक्का लगा है इस बात से, क्योंकि अब तालिबान जो है वो लगातार वहाँ अपनी कंडीशंस को मजबूत करता जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं अल जजीरा का आर्टिकल है, तालिबान सीजेस की डिस्ट्रिक्शन अफगानिस्तान, और इसमें कौन है, बदकशान और कांधार। तो कांधार प्रोविंस को भी ले लिया है, इसको हम लोग मैप में भी देखेंगे लास्ट में, लेकिन कांधार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी प्रोविंस है। और कांधार ही जो है जिस समय इनकी 2001 तक गवर्नमेंट चल रही थी तालिबान की, दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इनकी गवर्नमेंट चलती थी 1996 से जो है 2001 तक इनकी गवर्नमेंट चली थी, जिस दौरान शरिया लॉ को जो है फॉलो किया जाता था। और शरिया लॉ के ही तहत जो है वो औरतों को बाहर निकलने की, जो वुमेन थी उनको बाहर निकलने की कोई भी आज़ादी नहीं थी। साथ ही साथ जो आदमी थे उनके लिए दाढ़ी को बढ़ाना जो है या दाढ़ी रखना वो जो था इनके लिए कंपलसरी था। तो ये इनकी जो है इनके जो नियम चलते थे शरिया कानून, ये 2001 तक चले जब तक कि अमेरिका ने यहाँ पे इन्वेड नहीं किया। तो कांधार उस समय इनकी जो राजधानी होती थी तालिबान की वो कांधार ही होती थी, लेकिन उसके बाद जो है आप जान रहे हैं कि इनकी जो राजधानी है वो चेंज हो चुकी है, कांधार अब इनकी राजधानी नहीं है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि अफगानिस्तान के समय जो राजधानी है वो क्या है। तो दोस्तों, ये जो अब तालिबान लगातार जो अपना अग्रेशन बढ़ाता जा रहा है, एक पीस डील हुई थी दोहा पीस डील, आप लोग जानते होंगे दोहा में क्या हुआ था कि कतर में है दोहा, और कतर में ही जो है पीस डील हुई थी साइन, किसके बीच में, ये जो आपके तालिबान हैं और यूएसए के बीच में है, क्योंकि यूएसए जो है वो तालिबान वो अफगानिस्तान को छोड़ना चाहता था, तो इसलिए उसने क्या किया कि एक पीस नेगोशिएशंस को जो है स्टार्ट किया इनके साथ। और जिसमें क्या हुआ कि तालिबान ने ये कहा कि वो अपनी जो लैंड है वो किसी भी जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं या जो फॉरेन के जो इनके जो टेरर आउटफिट्स हैं जैसे लश्कर तैयबा वगैरह या आईएसआईएस, आईएसएस इन सब किसी के लिए भी जो है वो अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा, और ऐसे किसी भी स्टेक होल्डर को अपने में शामिल नहीं करेगा जो कि यूएसए के अगेंस्ट में होगा, और किसी भी तरीके की वायलेंट एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, और इसके बदले में यूएसए जो है वो अपने सारे सैनिकों को लेके वहाँ से निकल जाएगा, जिसके लिए यूएसए ने अपनी डेड लाइन को भी बढ़ा दिया था, और इसको जो है ये सितंबर कर दिया कि सितंबर 2021 से पहले हम पूरी पूरी तरीके से यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस वजह से जो है तालिबान ने जो अपना अग्रेशन बढ़ा दिया, हालांकि तालिबान ने अपनी वायलेंट एक्टिविटीज़ में तो कोई कमी लाई नहीं,
जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब धीरे धीरे ये लोग अपने आप को सीधे सीधे बढ़ाते जा रहे हैं, और शहरों में जो लोग हैं, ख़ासतौर से मैंने आपको बताया था कि जो इनके शहरी एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय डरे हुए हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेमोक्रेटिक जो आपको डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिल रहा था। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत ने भी जो है इसमें अच्छा खासा अफगानिस्तान में अपना जो है वो डेवलपमेंट किया है, अगर इसको एक मैप के उससे समझा जाए तो आप ये समझ सकते हैं। जबकि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्लेसेस बना रखे हैं आपके लिए, हेरात हो गया, काबुल हो गया, ये कांधार जहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, ये ज़ाहिदान है, यहाँ पे जहाँ मैंने एरो कर रखा है यहाँ पे ज़ारांज पड़ता है, ज़ारांज, तो ये सब आप प्लेसेस देख सकते हैं। अब हुआ क्या था कि यहाँ से गारलैंड रोड गई है, जो हेरात से होते हुए, कांधार से होते हुए, और सीधा काबुल के पास तक गई है। अब इस रोड को बनाने में भी भारत ने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इनकी जो संसद है, मार पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो भारत ने बनाई बनाई है, और दुनिया भर के जो डेवलपमेंट जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, और भारत ने अब तक जो अपना $3 बिलियन का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इंडियन रुपीज़ की अगर बात की जाए तो करीबन ये मान के चलिए कि 21 से 22 हज़ार करोड़ रुपए जो है भारत ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन अब वो सब जो है वो पानी में बहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तालिबान जो है अपना एग्रेशन जो है वो बढ़ाता जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अफगानिस्तान है, बगल में पाकिस्तान, ये ऊपर तजिकिस्तान, और ये तुर्कमेनिस्तान, और ये ईरान। ये लोकेशन इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि ईरान ने क्या किया कि अपना जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से जो लगता हुआ ये जो बॉर्डर है इसको अपना सील कर लिया, जब से तालिबान जो है वहाँ पे एग्रेसिव हुआ और जब से उसने वहाँ के इलाकों को जीतना शुरू किया है, इसके बाद से ईरान ने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया। तो हुआ ये कि जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, इनके जो टेररिस्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद क्या हुआ कि कांधार में जो इनकी जो फोर्सेज थी, अफगान फोर्सेज वही फोर्सेज हैं जो अफगानिस्तान की ऑफिशियल जो आर्मी कही जाती है, जिनको ट्रेन किया है यूएसए ने, लेकिन यूएसए के पीछे हटने की वजह से अब एक तरीके से ये इतने अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने फ़ाइट तक नहीं की तालिबान के फ़ाइटर्स से, और इनकी जो अफगान फोर्सेस थी वो अपना भाग गई कहाँ पे, तजिकिस्तान में, क्योंकि तजिकिस्तान ने जो है अपने बॉर्डर को बंद नहीं किया था अफगानिस्तान से, तो इसलिए ये भाग के कहाँ चले गए, तजिकिस्तान में। तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन कितनी बुरी है और किस तरीके से जो है वहाँ के लोग सफ़र करेंगे, या अफगानिस्तान को समझिए एक तरीके से इसके सैंडविच वाली हालत हो गई है कि अब अफगानिस्तान का होगा क्या ये अब कोई नहीं जान रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 300 अफगान मिलिट्री पर्सनल कॉस्ट अफगानिस्तान बतखान प्रोविंस एंड तालिबान फाइटर्स एडवांस टूवर्ड्स द बॉर्डर, और यहाँ पे तजिकिस्तान में जो है इन्होंने शरण ले ली, यानी अब ये लड़ भी नहीं रहे हैं, आप इनका मोराल सोचिए इतना डाउन है कि ये लड़ भी नहीं रहे हैं। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि बगराम एयरबेस जो था अफगानिस्तान का, जहाँ पे हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हुआ करती थी यूएस फोर्सेस की, उसने भी अब जो है इसको छोड़ दिया है 20 साल के बाद। तो यहाँ आप इनकी हिपोक्रेसी देख सकते हैं यूएसए की, कि इनका जब मन किया तो इन्होंने इन्वेड कर दिया 2001 में, और ये बीच मझधार में ही छोड़ के 2021 में जो है ये भाग रहे हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि ये जो करना चाहते थे कर नहीं पाए, तालिबान को एकदम ख़त्म करना चाहते थे लेकिन ये तालिबान का कुछ नहीं कर पाए, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लीडर बनते हैं विश्व में, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। तो वियतनाम वॉर में जितनी बेइज्जती हुई थी यूएसए की, उससे कहीं ज़्यादा अब बेइज्जती मानी जा रही है कि अफगानिस्तान में होगी। और अफगानिस्तान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी यहाँ पे बहुत से जो राजवंश हैं वहाँ पे जो है ये यहाँ पे दफन हो गए। जैसे आप लोग जानते ही होंगे यूएसएसआर, या उस समय जो आपका जो रशियन एम्पायर जो थी, जो कवर अप करना चाहती थी आपके, तो 1979 में जब यूएसएसआर जब यहाँ पे आया तो उसको भी अफगानिस्तान जो है उसने बर्बाद कर दिया यूएसएसआर को, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इसका। इसके बाद आपको मालूम ही होगा कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको जो है अपने में मिलाने की कोशिश की अफगानिस्तान को, लेकिन हमेशा यहाँ से रिटेलिएशन होती रही और कभी भी ये पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं हो सका। फिर आपको पाकिस्तान की हालत मालूम ही है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे कोशिश की अपने जो टेररिस्ट से उनको ट्रेनिंग दी, लेकिन अब ये देखिए खुद ही ये अलग हो गए अपना पाकिस्तान से, और उन्होंने अपना अलग ही शरिया ला लगाने की कोशिश कर ली है। साथ ही साथ इन्हीं तालिबान की एक और एक ब्रांच है, पाकिस्तान तालिबान जिसको कहा जाता है, और वो क्या करना चाह रही है, वो पाकिस्तान में शरिया लॉ लाना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि अफगानिस्तान में जिस जिसने वहाँ अपने तरीके से वहाँ चीज़ों को चलाने की कोशिश की, तो वो वहाँ पे उसको बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिला है। साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं कि टॉप जो यूएस जनरल्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है,
और अब तो अफगानिस्तान में जो गजनी है, गजनी उस प्लेस पे भी अब जो है अटैक करने जा रहे हैं, तो अब ये काबुल के कितने करीब पहुंचते जा रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। तो अब इनको जो है अब तालिबान अब बहुत ज़्यादा कब्ज़ा अपना करता जा रहा है। साथ ही साथ अब देखने वाली बात यह है कि अब और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्या बचता है, क्योंकि अब जैसे अब दोस्तों देख लिया जाता है कि अब इनमें जो और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, रशिया और अफगानिस्तान, इन लोग के लिए इसमें क्या इंटरेस्ट है और क्या आगे हो सकता है, और अफगानिस्तान कहाँ पे इस समय सिचुएटेड है। तो अगर चाइना की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए चाइना के लिए तो बहुत अच्छा एक मौका है, क्योंकि जैसे ही यूएस से हटेगा अफगानिस्तान में जो है चीन जो है अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करेगा। क्योंकि देखिए चीन एक ऐसी कंट्री है जिसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। ये आज जिसका विरोध कर रहे होंगे कल उसी के साथ हो जाएंगे, जिसके आज साथ में कल उसी के विरोध में हो जाएंगे। बस चीन के जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व होने चाहिए। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी बहुत ही स्पाइनलेस पॉलिसी है, जिसमें कोई स्पाइन नहीं है। हालांकि ये काम भी कर रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि बहुत से एम्पायर यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं अफगानिस्तान में। तो देखिए ये इनको भी जो है ये इनको भी नुकसान पहुंचाता है चीन को कि नहीं पहुंचाता है, देखने वाली बात रहेगी। बस ये है कि इनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है चाइना के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, और उन्हीं मिनरल्स को जो है ये अपना एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा चाइना अपने इन्वेस्टमेंट से। साथ ही साथ चीन जो है स्ट्रेटेजिक एक अपना यहाँ लाभ भी लेने की कोशिश करेगा। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं अफगानिस्तान की जो लोकेशन है लैंड लॉक्ड है और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो चाइना क्या चाहेगा कि वो यहाँ से अपना एक जो सीपेक वाला जो इनका जो कॉरिडोर है, ये जो इनका BRI का जो प्रोजेक्ट है, वो अफगानिस्तान, तजिकिस्तान से होते हैं अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान और ईरान में भी अब वो अपना इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है। तो इस तरीके से वो अपना यहाँ से एक BRI का प्रोजेक्ट चलाते हुए यूरोप तक पहुँच सकता है। तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए आप समझ ही सकते हैं, भारत के आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के बगल में, साथ ही साथ कश्मीर से भी बॉर्डर लगता है POK में। तो भारत के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंसर्न की बात है ही है। साथ ही साथ भारत का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि अब लग रहा है कि अब वो फंस जाएगा। उसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है अफगानिस्तान की मैं बता ही चुका हूँ। पाकिस्तान की बात करें तो ये एज लेने की कोशिश करेगा कश्मीर के ऊपर, इनके तालिबानियों का साथ लेके, और तालिबान के जो इनके जो आतंकवादी होंगे उनको ये कश्मीर में भेजने की भी कोशिश करेगा। साथ ही साथ तालिबान का प्रयोग करके पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक अपने लिए एक अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश। ईरान की बात की जाए तो देखिए ईरान का जो है तालिबान से देखिए किसी तरीके की कोई बहुत ज़्यादा विचारधारा मिलती नहीं है, और ये इनको पसंद नहीं करने करते हैं, इसीलिए देखिए ईरान ने अपना जो बॉर्डर भी था उसको भी सील कर लिया। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जब चाइना और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ईरान के साथ जाएगा तो ज़रूर ये लोग मिलके एक अलग तरीके का ग्रुप बना सकते हैं, जो कि फिर से जो है वो USA और भारत जैसे देशों के लिए जो है आगे जाके ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा रशिया की बात करें तो रशिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है। USSR आप जानते ही हैं कि पहले ही यहाँ पे एक झटका खा चुका है, उसके बावजूद जो है रशिया हो सकता है कि चाइना के साथ अगर वो अपने इन्वॉल्वमेंट करता है तो कुछ अपना बेनिफिट ये भी अपना यहाँ से पाने की कोशिश करेगा। बाकी अफगानिस्तान के लोगों की बात करें तो ये तो देखिए कहीं के नहीं रहे। पहले इनके ऊपर तालिबानियों ने खूब एट्रोसिटीज़ की, खूब एक्सप्लॉयटेशन किया, उसके बाद USA आया जिसने यहाँ पे एक सिविल वॉर को यहाँ पे जन्म दिया, और ये फिर क्या किया इनको अधर में ही छोड़ के USA चल दिया। तो अब इन लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये कहाँ जाएं और इनका क्या होगा। तो अब इन हालातों को आगे देखना पड़ेगा कि आगे क्या हालात बनते हैं। दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा, और ये मैप को ज़रूर आप लोग ध्यान से देखिएगा, लोकेशंस जरूर देखा करिए, उससे जो है आपको जो भी जो आर्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं कि वो बात कहाँ की हो रही है। और इस मैप में एक जो लोकेशन बच गई थी वो देखिए चाबहार पोर्ट, जो आप नीचे यहाँ देख सकते हैं चाबहार पोर्ट, जहाँ भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है जो कि ईरान में है, और यहीं से भारत जो है एक जारांज से जो है जो जाहिदान आपको दिख रहा ईरान के अंदर, यहाँ से एक रोड को कनेक्ट करते हुए जारांज तक जो है ले जाना चाहता था, और यहीं से जो है अपना INSTC एक कॉरिडोर है, इसको जो है भारत
बनाना चाहता है, लेकिन अब देखिए अब तो सारी चीज़ों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग सकता है, क्योंकि स्थितियां जो है बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।